टाइटल और थंबनेल देख के ये समझ में आ गया होगा कि आज हम इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले कुछ डिकेड्स से बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। एकदम शुरू से बात करते हैं। शुरुआत में जब 1947 का सीन था, उस समय इंडिया में जो कार्स वो इंपोर्ट होती थी और जिसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट टैक्स ज्यादा लगता था और जो कार्स होती थी वो केवल महंगे लोग अफोर्ड कर पाते थे। इसीलिए 1947 में कार का क्रेज उतना नहीं था, लेकिन बीते कुछ डिकेड्स में इंडिया ने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है जिसको पा पाना शायद अनदर कंट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता था। आज इंडिया में लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड बना है जो कि लगभग पृथ्वी के 10 चक्कर घूम सकता है। और ये एक सीन है दिल्ली बम्बई एक्सप्रेसवे का। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जिसपे कार्स दौड़ते हुए आपको नजर में आएंगी। और ये एक इंडियंस कार को ज्यादा एफर्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियन कार्स होती हैं उसमें 6 एयर बैग मिलते हैं जिसकी वजह से किसी भी एक्सीडेंशियल केस में मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी फॉरेन कार की बात करें, उसमें केवल 3 एयर बैग मिलते हैं जिससे अगर कभी एक्सीडेंशियल केस होता भी है तो मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। माफ करिएगा, ये कोई ऐड नहीं है, लेकिन अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल मास्क विद मास्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और दूसरी जो चीज है इंडियन कार के चलने की, क्योंकि इंडियन कार्स कॉम्पैक्ट होती हैं और प्लस इंडियन कार्स का जो कॉस्ट होता है वो लो होता है और इंडिया लो कॉस्ट में बहुत कुछ देने की कोशिश करता है। और जिस तरह से इंडिया ग्रो हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया में प्रति 1000 व्यक्ति मात्र 30 लोगों के पास कार है। और यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अमेरिका पे अप्लाई करते हैं तो अमेरिका में 980 लोगों के पास कार है। और यही सेम कॉन्सेप्ट अगर हम चाइना पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे 120 लोगों के पास कार है। तो इंडिया में जो कार ड्राइवर्स की संख्या है वो अभी बहुत कम है, जिससे हमें यह समझ में आता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो ग्रो ही होता जाएगा। और उसके वजह से ये इतना तो हो गया, लेकिन ये हमारी कंट्री में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये हमारी कंट्री में, इनसे हमारी टोटल कंट्री के जो टोटल जीडीपी है उसमें ये 7.1% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और जो हमारे इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है उसमें लगभग 8% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 19 मिलियन लोग कनेक्टेड हैं इस जॉब से, जिससे वहां पे बेरोजगार चल रहा है। और जब इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होगा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का ये प्रिडिक्शन है कि इंडिया की जो पर कैपिटा है वो 2030 तक $2500 से लगभग दोगुना $4500 हो जाएंगी, जिससे जो आज का मिडिल क्लास व्यक्ति एक कार नहीं एफर्ट कर पा रहा है वही आगे चल के एफर्ट कर पाएगा, जिससे इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो ही होने वाला है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपोनेंट हो, चाहे वो ट्रक बस, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं पेट्रोल पे। तो अगर ये ग्रो हो रहा है तो इस नेचर को बहुत हार्म होगा। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि इंडिया में जितनी तेज से पेट्रोल वाली गाड़ियां नहीं ग्रो हो रही हैं, उससे भी ज्यादा तेजी से इंडिया में ईवीज बिकती हैं। इंडिया में ईवी मार्केट अभी कम है, लेकिन टोटल अगर ऑटोमोबाइल मार्केट की बात करें तो वो लगभग $100 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। लेकिन इंडिया में आज भी टोटल 100% कार्स नहीं बनती हैं, 100% मतलब कार्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि इंडिया में जो कार्स के अभी भी कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर वो कंपोनेंट या फिर वो टोटल कार हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें तो उसकी कॉस्ट अभी भी बिलो हो पाएगी, मतलब कम हो पाएगी। और जब कॉस्ट कटेगी और जितनी हाई क्वालिटी की कार मिलेगी उतना लोग उसे एफोर्ड करना चाहेंगे। इसीलिए हमारे जो पीएम मोदी हैं वो पीएलआई स्कीम लॉन्च किए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिव लिंक इनिशिएटिव, अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रही है तो उसको कुछ
ईयर्स तक हम लगातार इनिशिएटिव देंगे जिससे जिससे वो कंपनीज अट्रैक्ट होंगी और इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो आज ग्रो हो रहा है वो अब से कुछ बहुत ज्यादा तेज से ग्रो हो पाएगा। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। और बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।